गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एक्सरसाइज 9.1. तो बच्चों देखिए, आपको सबसे पहले ऐड लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि आपके डिनोमिनेटर जो हैं वो आपके सेम नंबर्स होंगे, ठीक है. उनको क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं. तो देखिए, अभी तक तो टू डिजिट के कल आपने पढ़े थे, अब आपको आज क्या करना है, थ्री डिजिट के पढ़ने हैं. तो देखिए, पहला नंबर है 4/9, 3/9 एंड 1/9. अब इसका क्या किया मैंने, इसका एलसीएम निकाला 999 का. तो एलसीएम निकाला तो देखिए, ये 9 के टेबल से पूरे पूरे जा रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो ये कट कैंसिल हो जाएंगे ना. तो 9 1 9 9 1 9 9 1 9. तो इसके एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 9. ओके, 9 मैंने कल बताया था आपको कि 9 से आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और फिर न्यूमिनेटर से जो आता है आपका उससे मल्टीप्लाई करते हैं. तो 9 से 9 का जब करेंगे डिवाइड तो 1 आएगा, 1 से 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4. फिर 9 से फिर अगेन डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1. 1 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3. फिर 9 से आपको फिर अगेन करोगे फिर 1 आ जाएगा. 1 से 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1. ठीक है, अब इसको क्या करेंगे आप, ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 + 3 कितना होता है, 7. 7 + 1 8. तो 8/9. नाउ दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सेम एज इट इज़ है. देखिए 17, इसमें 17 लाइक फ्रैक्शंस में है. तो मैंने 17 का क्या किया, एलसीएम लिया. 17 का जब एलसीएम लिया तो कितना आया, 1 1 आ गया, क्योंकि 17 से पूरा पूरा इसमें चला जा रहा है, डिवाइड हो रहा है. तो एलसीएम कितना हो रहा है, 17 होगा. ठीक है, अब देखिए 17 का जब 17 से डिवाइड किया तो कितना आया, 1. तो 1 का 4 से क्या किया, मल्टीप्लाई करा दिया तो 4 आ गया. ठीक है, फिर 17 का 17 से करा 1. 1 6 6. ठीक है, फिर अगेन 17 से करेंगे तो 17 1 17. 1 बचा, 1 से 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 5 5. तो 4 + 6 कितना हुआ, 10. और 10 + 5 कितना हुआ, 15. तो 15/17 ये आपका बच्चों आंसर आ गया. देखिए ये भी आपका सेम, आपका लाइक फ्रैक्शंस ऐसे होगा, 1/22, 4/22, 6/22. देखिए आपके सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. तो लाइक फ्रैक्शंस में तो देखिए, मैंने 22 का पहले एलसीएम निकाला तो कितना आ गया आपका, 22 ही आ गया. ठीक है, तो यहाँ पे ये सॉरी यहाँ पे 22 होगा. ठीक है, ये 22 हो जाएगा आपका. ठीक है, यहाँ पे 12 नहीं होगा. तो 22 से किया तो कितना आ गया, 22 से जब 22 को करेंगे तो 1 आएगा, 1 1 जा 1. फिर 22 से 22 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा. फिर 1 का जब 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 1 का जब 4 से करेंगे तो 4 ही आ जाएगा. ठीक है, फिर 22 को 23 से करेंगे तो कितना 1 आ जाएगा. तो 1 6 6. ठीक है, 4 + 6 10, 10 + 1 11, 11 और अपॉन 22. देखिए ये भी कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है कि नहीं कैंसिल हो रहा है. तो 11 1 जा 11, 11 2 जा कितना होगा, 22. तो आप यहाँ पे 1/2 भी कर सकते हैं. ठीक है, देखिए मैंने आंसर लिखा इसको, लेकिन ये तो कैंसिल हो रहा है ना, तो 1/2 ये आंसर आ जाएगा. ठीक है आपका. अब देखिए अनलाइक फ्रैक्शन, ये तो होगा लाइक फ्रैक्शंस. अब अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या करेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस में आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं, ये आपके चेंज होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, अनलाइक फ्रैक्शन तो 4 और 6 का एलसीएम लेंगे. तो देखिए मैंने लिया 4 और 6 का एलसीएम ले लिया. ठीक है, अब जब इसको करेंगे तो देखिए पहले 2 से जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो 2 से कर लीजिए. तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. अब या तो 2 से करिए या 3 से, किसी एक टेबल से. सबसे पहले 2 से मैंने कर लिया, 2 से किया तो कितना आ गया, 2 1 जा 2, 3 ऐसे ही नोट कर दिया. ठीक है, फिर 3 से करिए तो देखिए 1 से 1 तो पूरा चला ही गया था पहले ही, फिर 3 1 जा 3 तो कितना आ गया, 2 × 2 × 3. ठीक है, तो एलसीएम लिए कितना आया, 2 × 2 × 3. इसी नंबर्स को यहाँ नोट करके मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12. तो 12 ले लिया. ठीक है, अब 4 को 12 से डिवाइड करिए तो 4 3 जा 12 आता है कि नहीं आता,
थ्री बचा, थ्री का वन से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो कितना होगा, थ्री वन जा थ्री, ठीक। इसके बाद सिक्स का जब करेंगे तो सिक्स टू जा ट्वेल्व, टू बचा टू का जब वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, टू वन जा टू, थ्री प्लस टू कितना हो जाएगा फाइव, तो फाइव अपॉन ट्वेल्व ये आपका आंसर आ गया, ठीक। अब देखिए बच्चों कि अब आपका अगर मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो तब क्या करेंगे, तो मिक्स फ्रैक्शन में आपको बताया था ना कि मिक्स फ्रैक्शन होगा तो उसको क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे कि नहीं लाएंगे, तो सबसे पहले क्या करिए, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लाइए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो क्या करते हैं, टू वन जाए टू प्लस वन, यही तो करते हैं, तो टू के साथ देखो टू वन जाए टू प्लस वन कर दिया, इसको ऐड करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देते हैं, तो टू वन जाए टू प्लस वन तो कितना आ गया, टू प्लस टू वन जाए टू प्लस वन थ्री, तो थ्री अपॉन टू, वन अपॉन टू ऐसा ही था। अब देखो इसमें भी सेम आया कि नहीं, सेम, तो एलसीएम निकाल लेंगे, तो टू और टू का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, वन, टू से करेंगे तो वन ही तो आएगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, इसका आ जाएगा टू आ जाएगा, तो बस टू से टू को जब डिवाइड करेंगे तो वन आएगा, वन थ्री जा थ्री, फिर टू से टू को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, वन आ जाएगा, ठीक है बच्चों, तो कितना आ जाएगा, थ्री प्लस वन तो कितना आ जाएगा आपका फोर, फोर अपॉन टू। अब देखिए ये भी कट रहा क्योंकि टू के टेबल में टू भी आता, टू के टेबल में फोर भी आता, तो टू वन जा टू, टू टू जा फोर, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, टू। नाउ दिस इज योर आंसर, ओके। अब बच्चों अगर मिक्स फ्रैक्शन दे रखा होता है तब आप क्या करेंगे, तो मिक्स फ्रैक्शन दे रखा होता है तब आप इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाएंगे, क्या करेंगे सबसे पहले इम्प्रॉपर, तो पहले इम्प्रॉपर में क्या करेंगे, सिक्स इंटू सेवन करेंगे प्लस वन, तो सिक्स सिक्स इंटू सेवन प्लस वन, फिर टू इंटू सेवन प्लस थ्री, तो सिक्स सेवन जे कितना होता है फोर्टी टू, फोर्टी टू टू प्लस वन फोर्टी थ्री अपॉन सेवन, टू सेवन जे फोर्टीन, फोर्टीन प्लस थ्री कितना हो जाएगा सेवनटीन, तो सेवनटीन अपॉन सेवन। अब देखिए इसके बेस सेम है कि नहीं है, इसके जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो सेवन और सेवन का जब निकालेंगे कितना होगा, सेवन वन जे सेवन, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, इसका आ जाएगा सेवन, ठीक है, कितना आ गया सेवन, तो देखिए मैंने सेवन लिख लिया, सेवन को जब सेवन से डिवाइड किया तो वन आया, वन का फोर्टी थ्री में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया फोर्टी थ्री, सेवन को सेवन से डिवाइड किया तो वन आया, फिर वन का सेवनटीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा सेवनटीन, फोर्टी थ्री प्लस सेवनटीन ऐड करेंगे तो सिक्सटी अपॉन सेवन है। अब देखिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में था कि नहीं था, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाने के लिए सेवन से सिक्सटी को डिवाइड कर देंगे, तो सेवन से जब सिक्सटी को डिवाइड किया तो कितना आ गया, एट से हो रहा है क्योंकि नाइन तो सिक्सटी थ्री ज़्यादा है तो कम वाले से लेंगे, तो एट, तो इसको जब करेंगे टेन में से सिक्स गया फोर बचा, ठीक है, तो कितना आ गया आपका एट होल्स फोर अपॉन सेवन, नाउ दिस इज योर आंसर, ओके स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर टू का जी वाला देख लीजिए, वन अपॉन टू, वन टू अपॉन थ्री, फोर अपॉन सेवन, थ्री थर्टीन अपॉन फोर, थ्री अपॉन फोर्टीन, तो देखिए सभी केस में अनलाइक फ्रैक्शन है कि नहीं है, अनलाइक फ्रैक्शन है तो इसमें एलसीएम निकालिए सभी का, तो मैंने देखिए टू थ्री सेवन फोर्टीन का एलसीएम निकालो, तो सबसे पहले टू से डिवाइड हो रहा, तो टू वन जा टू, थ्री है नहीं इसलिए सेवन को ऐसे देखिए टू सेवन जा फोर्टीन, अब देखिए थ्री से कर लीजिए तो टू वह तो वन तो ऐसे ही रहेगा, थ्री वन जा थ्री, ठीक है सेवन ऐसे ही रहेगा, सेवन ऐसे, अब सेवन से जरा देखिए जिस टेबल से जब डिवाइड कट कैंसिल हो जाता है तो उसको एज इट इज़ वैसे ही नोट कर देंगे अगर वन आता है, या तो फिर जिस टेबल से आप कर रहे हैं उस टेबल से करिए, ठीक है, अगर कट किसी भी टेबल से डिवाइड हो रहा है कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हैं, और अगर नहीं हो रहा है तो उसको एज इट इज़ नंबर नोट कर दीजिएगा, ठीक है। अब जैसे सेवन है तो सेवन से ये दोनों कट रहे हैं कि नहीं कट रहे, कैंसिल हो रहे हैं ना, तो सेवन वन जा सेवन, सेवन वन जा सेवन, तो देखिए वन तो मैंने ऐसे को ऐसे ही लिखा तो वन ऐसे ही लिखा, ठीक है, तो टू इंटू थ्री इंटू सेवन तो कितना आ गया, टू टू थ्री जा सिक्स, सिक्स सेवन जा फोर्टी टू, तो मैंने फोर्टी टू इसमें नोट कर दिया, फिर वही प्रोसेस टू को उसमें फोर्टी टू में डिवाइड करिए, तो टू टू जा फोर, टू वन जा टू ट्वेंटी वन आया, ट्वेंटी वन का मल्टीप्लाई इवन से करेंगे तो ट्वेंटी वन ही आ जाएगा, थ्री से करिए थ्री वन जा थ्री, थ्री फोर जा ट्वेल्व, तो कितना आया फोर्टीन आया, फोर्टीन टू जा ट्वेंटी एट, ठीक। इसके बाद फिर सेवन से करिए, सिक्स आया, सेवन सिक्स जा फोर्टी टू आएगा कि नहीं डिवाइड करने में, और सिक्स का जब करेंगे तो सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, फोर्टीन से करिए फोर्टीन, फोर्टीन टू जा फोर्टीन, थ्री जा फोर्टी टू, ठीक, थ्री थ्री जा थ्री बचा, थ्री थ्री जा नाइन, ठीक। आप सबको ऐड कर दीजिए, एट्टी टू अपॉन फोर्टी टू आ गया,
सो 41/21, 41/21, इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या तो 21 को डिवाइड करके आप 41 से करोगे तो मिक्स फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हो, वरना इसी तरीके से भी सही है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ऐड द फ्रैक्शंस, आपको ये दोनों ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दे रखे हैं, इसको क्या करेंगे आप, इसको भी आप सेम एज इट इज़ वैसे ही निकालिए, पहले इसको इम्प्रॉपर, ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखे हैं, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाइए। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाने के लिए क्या करेंगे आप, इसको पहले मल्टीप्लाई कराइए, तो 2 × 2 + 1, 3 × 3 + 1, ठीक। तो करेंगे तो कितना होगा, 2 × 2 = 4 + 1 यानी 5/2, 3 × 3 = 9 + 1 10/3 हो जाएगा, बताया था ना आपको। आप क्या करेंगे, 5/2 10/3, तो ये क्या हो गया, अनलाइक फ्रैक्शन बन गया। अनलाइक फ्रैक्शन में देखिए, इसमें हमारे सेम तो है नहीं, तो 2 और 3 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 2 और 3 का जब एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले 2 से करिए, 2 × 1 = 2, 3 को एज इट इज नोट कर दिए, फिर 3 से करिए, तो 3 × 1 = 3, देखो 1 ऐसा ही नोट का होता चला गया कि नहीं, और 3 × 1 = 3 तो कर गया, यानी 2 × 3 कितना आ गया, 6, तो मैंने 6 लिख लिया। आप 2 × 3 = 6, 3, 3 × 5 = 15, फिर 3 × 2 = 6, 2, 2 आया कि नहीं आया, 2 × 10 = 20, तो 15 + 20 को करेंगे कितना आएगा, 35/6। अब ये इन प्रॉपर फ्रैक्शन, वो मिक्स फ्रैक्शन में था कि नहीं था, सॉरी, तो मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करेंगे, 6 से 35 को डिवाइड कर देंगे, तो 6 × 5 = 30 आ जाएगा, बस 5 होल्स 5/6, नाउ दिस इज योर आंसर। इसी तरीके से बच्चों आपको ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करनी, ठीक है, ये आपको एक्सरसाइज 9.1 आपको पूरी कंप्लीट करनी है, आपको यही आपका होमवर्क है, और मुझे करके दिखाइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का होमवर्क आता नहीं है, इसलिए सभी का आना चाहिए। ओके, हैव अ नाइस डे।